चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत का इतिहास प्राचीन व मध्यकालीन, भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदीवर्धन नेक ने। अगला, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहट सिक्के। अगला, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत महात्मा बौद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। अगला है, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। अगला है, विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 में। अगला क्वेश्चन है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपर्युक्त वक्तव्य दिया था जियाउद्दीन बरनी ने। अगला क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और पिति विस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक। अगला, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कालाशोक के समय। अगला है, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है था? नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गर्दी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में स्थित वह बौद्धि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्र गुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित हैं? त्रयाग में। अगला, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय थी कलिंजय विजय। अगला, किस मुगल सम्राट ने 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? यह था फर्रुखसियर। अगला है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? नटराज सिद्धकी कांसे की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अगला क्वेश्चन है, अजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खाली गोसाल। अगला है, किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, तोल कप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? ये थे यज्ञवल्क्य के। अगला, ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय गौड़वाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। अगला है, मित्र मेल संगठन के संस्थापक थे बीडी सावरकर। अगला है, वाकिम चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में। अगला है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के
स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था वसेन की संधि ने। अगला है, मौर्य के शासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव सस्तागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर सेन ने। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला, किस ग्रंथ को दयाशय के नाम से जाना जाता है? कुमार पाल चरित को। अगला, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबे तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था? अद्धा एवं वीक। अगला है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। अगला है, एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? ये था जहांगीर। अगला है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी 1248। अगला, पिथम नेमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बीपी वाड़िया द्वारा। अगला है, मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? माल्ले मिंटू सुधार 1909। अगला क्वेश्चन, लेन पूल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है, तो यह हुमायूं के विषय में। अगला है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख पिथम पठित अभिलेख है? अशोक के अभिलेख। अगला, किस वेद की विप्लाद एवं सौनक नामक दो शाखाएं हैं? अथर्व वेद की। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंडोकोटस नामों का तदातुम्बय चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जॉन्स ने। अगला है क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? अलवरनी का। अगला है, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? हरिहर बुक्का ने। अगला है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? महायान ने। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? ग्यासुद्दीन तुगलक प्रथम था, महमूद लास्ट था, अंतिम था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। अगला है, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्ण देव राय ने। अगला, सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है, तो यह महावीर की शिक्षाओं में। अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट। अगला है, गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण की। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो ये थे शेरशाह सूरी। अगला है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। अगला है, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान करता था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात हुआ, इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बावन। अगला है,
सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व में। अगला है बौद्धि सत्य किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभ लेख किसका है और उसे दिल्ली कौन लाया था? मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का लेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली मेहरौली में लाया गया था। ठीक है, दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसने कविराज मार्ग की रचना की थी। अगला है सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? उस समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप गया कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को।